नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डीके इंस्टीट्यूट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैं बता रहा हूँ आपको आज पॉलिटी की स्ट्रेटजी के बारे में, यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए। इससे पहले मैं जो है और सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने सब चीज़ें देखी होंगी। तो देखते हैं आखिर पॉलिटी का किस तरीके से तैयारी करें इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अब टाइम कम रह गया है। तो हमें कम टाइम में अच्छी प्रिपरेशन करनी है जिससे कि हमारा एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। तो ये सिलेबस है जो मैंने डाल दिया है, सिलेबस पढ़ना चाहिए। सिलेबस मतलब जो है कॉमन ही है एक तरीके से। यूपीएससी प्रीलिम्स का आप सिलेबस देख लीजिए या एसएससी का देख लीजिए, सब में सिलेबस सेम दे रखा है। तो हमें पढ़ना कहाँ से है जिससे कि कम टाइम में हमारी तैयारी हो जाए, वो हमें जानना है। तो आते हैं स्ट्रेटजी पे डायरेक्टली कि हमें कहाँ से पढ़ना है। तो दोस्तों पॉलिटी अगर हम देखें तो जो कहते हैं भाई लक्ष्मीकांत बाइबल है, लेकिन लक्ष्मीकांत पढ़ने के लिए ही हमें चाहिए 1 महीना अगर हम पहली बार पढ़ रहे हैं तो वो टाइम तो हमारे पास है नहीं। तो आप क्या करिए, ल्यूसेंट जीके की बुक आती है, ल्यूसेंट की एक बुक आती है, ल्यूसेंट की बुक लीजिए और उसमें जो पॉलिटी का सेक्शन है, आप उसको पढ़िए। केवल ल्यूसेंट की जो बुक है उसमें से पॉलिटी पढ़िए और पॉलिटी तैयार करिए। उसमें से जो टर्म्स हैं, जो आर्टिकल्स हैं, उनको याद करिए। जो शेड्यूल्स दे रखे हैं, किस शेड्यूल में क्या चीज़ दे रखी है, किस पार्ट में क्या दे रखा है, वो याद करिए। क्या अमेंडमेंट है, ये मेन चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको भाई। आर्टिकल्स जो मेन मेन है वो फंडामेंटल राइट में कौन से आर्टिकल्स आते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज में कौन से आर्टिकल्स आते हैं, डीपीएसपी में कौन से आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको होनी चाहिए मालूम। डीपीएसपी तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। डीपीएसपी पे एक क्वेश्चन पक्का आता है कि किसी भी आर्टिकल पे जो डीपीएसपी के अंदर है उसमें तो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे पूछेंगे। बात समझ में आ रही है? तो जो आर्टिकल्स हैं मेन मेन वो आपको याद करना है। जो अमेंडमेंट्स हुए हैं भाई, 42 अमेंडमेंट, ठीक है, 44 अमेंडमेंट, अभी जो है 100 हुआ था, 101 हुआ था, 102 हुआ था, ये अमेंडमेंट। तो जो मेन अमेंडमेंट्स हैं वो आपको पक्के अच्छे तरीके से याद करना है। जब आपका ये सब हो जाए, ठीक है, ये बुक पढ़ने के लिए इतना मेरे ख्याल से 20 पेज होंगे इसके, दो से 3 दिन मान लो लगेंगे इसको पढ़ने के लिए। 3 दिन में आप ये कवर करने के बाद आप आइए आप एमसीक्यू लगाने पर। जो एसएससी सीजीएल प्री के एमसीक्यूज हैं वो आप लगाइए, और यूपीएससी के जो एमसीक्यूज हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स के जो एमसीक्यूज हैं प्रीलिम्स पेपर में जो आए थे पिछले 10 साल के, वो आप लगा लीजिए, ठीक है। टाइम मिलता है तो लक्ष्मीकांत की बुक लीजिए, पीडीएफ मिल जाएगी आपको। लक्ष्मीकांत की बुक के जो पीछे दे रखे हैं ना, पीछे लगभग 2000 क्वेश्चन दे रखे हैं, 2000 एमसीक्यूज दे रखे हैं लक्ष्मीकांत की बुक में। ये अगर आप लगा लेंगे तो समझ लो पॉलिटी के जो 6 क्वेश्चन आने वाले हैं कहीं नहीं रुकने वाले आपके। अगर आप लक्ष्मीकांत की बुक के पीछे जो 2000 क्वेश्चन दे रखे हैं एमसीक्यूज के, अगर आप लगा लेते हैं उनको, तो पॉलिटी के आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। बात समझ में आई? लेकिन स्टार्ट करना है कहाँ से, एसएससी के क्वेश्चंस से, फिर यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन पे आओ, उसके बाद लक्ष्मीकांत पे आना है। ऐसा नहीं कि देखिए आप रिवर्स कर लो। बात समझ में आई? और उससे पहले पढ़ना है ल्यूसेंट जीके की बुक जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक बात और कि जो ये बुक है, ये जो नोट्स हैं जीके के, ल्यूसेंट के जो नोट्स हैं पॉलिटी के, आप इसको हर हफ्ते रिवाइज करिए, इसको एवरी वीक रिवाइज करिए, जिससे कि जो मेन मेन चीज़ें हैं वो आप भूलें ना। पॉलिटी में दिक्कत ये होती है कि मैनिपुलेट करके आपको जो दिया होता है क्वेश्चन, तो हम मतलब मालूम नहीं कर पाते कि आखिर इसमें ऑप्शन कौन सा होगा। यूपीएससी का यही है कि वो एक क्वेश्चन देता है उस पर 3 4 ऑप्शन दे देता है, या फिर ऑप्शंस को मैनिपुलेट करता है जिससे कि हमें आइडिया नहीं लग पाता कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। वो तभी पॉसिबल है जब आपको फैक्ट्स याद होंगे। जो फैक्ट्स हैं पॉलिटी के वो अगर आपको याद हैं, अच्छे से आपने पढ़े हैं, तो आप आराम से जो क्वेश्चन का जो मीनिंग है समझ पाएंगे और जो ऑप्शन है उनके मीनिंग भी समझ पाएंगे आराम से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने बताया आपको पॉलिटी के बारे में आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके साथ एक बात और जोड़ दूँ कि जो मेन मेन स्कीम्स हैं वो तो आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, तो जैसे स्कीम्स भी आप याद कर लेंगे, या पिछले 1 साल में जो हैपनिंग हुई है भाई, जैसे एंटी डिफेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा शोर मचा है, ठीक है, या फिर जो है आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट हुआ उस पर काफ़ी हो हल्ला हुआ है, ये सब चीज़ें करंट अफेयर्स के अंदर आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं करी है। करंट अफेयर्स में हम पढ़ेंगे उस चीज़ को, ठीक। तो जो भी पॉलिटी से लेकर जो भी करंट अफेयर्स है वो भी हमें ध्यान में रखना है, लेकिन जो मेन स्टैटिक पोर्शन है मैंने बता दिया आपको कहाँ से पढ़ना है आपको और किस तरीके से आप उस पर अपनी पावर ग्रेस्पिंग पावर बढ़ा सकते हैं, क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने बताया आपको समझ में आएगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव वेरी नाइस डे।